अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल हर डिकोर डायरी में, जहां हम बात करते हैं कुछ होम एंड किचन के हैक्स एंड ट्रिक्स की और कुछ DIY जो हमारी डेली लाइफ को आसान बनाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अमेजिंग हैक्स हैं, आप खूब इंजॉय करेंगे। तो हैक नंबर वन के लिए हम ले रहे हैं ये शॉर्पनर बॉक्स जो है। ये जब अंदर से टूट जाए तो ये आप इसको फेंकिए मत, ये भी हमारे बड़े काम का है। देखिए ऐसे पेपर पिंस होती हैं और ये बॉक्स गिरा और ये सारी की सारी इधर से उधर। तो इसको इसमें अच्छे तरीके से आप डालकर और स्टोर करें, ऑर्गेनाइज़ करें और टेबल पे रखें, अपने पर्स में रखें, अपने ड्रॉअर में रखें। इसको निकालना आसान है। इसका छोटा सा ऊपर से कैप आपने ओपन किया और आपको जितनी भी चाहिए आप इजीली इसको ले सकते हैं। तो कैसा लगा अभी आपको ऑर्गेनाइज़र हमारा, है ना, ये ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र। ये सारे ऑर्गेनाइजर्स मैं यूज़ करती हूँ। ये पिछली वीडियो वाले ऑर्गेनाइजर्स भी आप देखें, ये भी मैं बहुत अच्छे से यूज़ कर रही हूँ। आप भी इनको ज़रूर बनाएं और इनसे फ़ायदा उठाएं। आपको जैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक करें मेरी वीडियो को अगर आपको ये मेरे हैक्स अच्छे लगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक जो है हमारा, जो है हमारे पास अक्सर टेप वगैरह होती है और उसके जो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमसे मिस हो जाता है, घूम जाता है, नहीं मिलता। और नेल के साथ भी हम इसको अच्छे से ढूंढ के थक जाते हैं और काफ़ी डिफिकल्टी होती है। तो उसको करने के लिए आप ऐसे करें, जो निकाल कर और स्टार्टिंग पॉइंट है, जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा है, उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दें और जब भी आपको चाहिए हो इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन ये बहुत काम की है। जितनी चाहिए आप इसको लें और दोबारा से जो पार्ट है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दें, या फिर आप ऐसी पिन यूज़ कर सकते हैं। ये एक और आपके पास अमेजिंग सी टिप मिल गई। जब भी हम लोगों को सुई में धागा डालना होता है काफ़ी डिफिकल्टी होती है, जिनकी आई साइड वीक होती है, तो आज की टिप उनके बड़े काम आने वाली है। आप लीजिए एक पेपर और उसमें रखिए अपने जो थ्रेड है और बीच में से उसको फोल्ड करें और साइड से उसको कट करें तिरछा। ऐसे तिरछा कट करने के बाद डालिए इसको सुई के अंदर और निकालिए अपना धागा और आपकी सुई में धागा डल गया। तो ये टिप आपको ज़रूर काम की लगी होगी। अगर काम की लगे तो इसको भी ज़रूर लाइक करें मेरी वीडियो को। नेक्स्ट हैक आता है हमारे किचन से रिलेटेड। जी हाँ, किचन में हमारे पास डेली यूज़ में दालें वगैरह आती हैं जिनमें कीड़ा वगैरह लग जाता है, स्पेशली गर्मियों में। तो आज की टिप से फ़ायदा उठाएं और सेव करें अपने किचन के राशन को। हम इसमें यूज़ कर रही हैं सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल ले लें। इसकी खुशबू से जो है वो कीड़े वगैरह नहीं लगते और दाल जो है काफ़ी लंबे अरसे तक स्पेशली सेव हो सकती है। दाल, लोबिया, छोले, चने, ये सब आप सेव कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए, वो भी सरसों के तेल से। अगर आप सरसों का तेल नहीं अवेलेबल आपके पास तो आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये लंबे अरसे के लिए आपके पास सेफ हो गए। उसको कंटेनर में डालें, एयर टाइट कंटेनर में, और स्टोर करें। कोई दूसरी दाल भी है इसमें भी आप यही जो टिप है यूज़ करें। सरसों का तेल ले लें और इसमें एक टेबल स्पून सरसों का तेल डालें, मस्टर्ड ऑयल आप ऐड करके और मिक्स करें, अच्छे से हाथों के ज़रिए मिक्स करें। देखें सब दाल को लगी, कलर चेंज होने से आपको पता चल गया है कि सारी दाल को अच्छे से ये कोटिंग आ गई है। और जब ये सब दाल को कोटिंग आ जाए तो इसको एयर टाइट कंटेनर में डालें, सेव करें और लंबे अरसे तक इसको इस्तेमाल करें। कोई कीड़ा नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं। हैक नंबर फाइव, टिप नंबर फाइव में है यही दालें। अगर आप इसमें ऑयल नहीं शामिल करना चाहते और आप इसको सेफ रखना चाहते हैं, आपको उसको कीड़े से महफूज रखना है, हराम होने से महफूज रखना है, तो आप इसमें इस्तेमाल करें खाने का सोडा। एक चम्मच खाने का सोडा इसमें शामिल करें, मिक्स करें अच्छे से और एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल कर रख दें। आप इसको हर खाने की चीज़ में डाल के रख सकते हैं। जिसको भी कीड़ा लगने का डर है बिल्कुल ये ख़राब नहीं होगा। ये वाला आए जो टिप है, ये आइडिया है, ये बाहर जो स्टोर्स वाले हैं जितने भी हैं वो फूड को ऐसे ही स्टोर करने के लिए ही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी इसी को इस्तेमाल करें और अपनी चीज़ों को सेव करें। हैक नंबर सिक्स हमारा है आलूओं से रिलेटेड। आलूओं को आप चिप्स की सूरत में काटते हैं और उनको आप चाहते हैं कि ये ब्लैक ना पड़े और थोड़ी देर तक फ्रेश रहें, तो इसके लिए आप डालें इसमें विनेगर। विनेगर से ये अकड़े भी रहेंगे और इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। विनेगर ना हो तो लेमन का यूज़ करें और इसको थोड़ा सा इसमें डालकर और इसमें पानी ऐड कर दें। पानी में डिप रहेंगे तो ज़्यादा देर तक ये जो है ये फ्रेश रहेंगे। और इसमें नमक ज़रूर डालें, नमक से जो होगा वो अच्छे तरीके से ये अंदर तक नमकीन भी हो जाएंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नए आइडिया के साथ नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।